हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ गुजिया। देखिए, मम्मी और भाभी मिलकर बना रही हैं, मैं भी मदद कर रही हूँ, मैं भी सामान लेके आई हूँ दो बारी जाकर। यही मदद की है, दुकान दौड़ना बहुत बड़ा मेहनत का काम है, समझी। बस अभी तैयारी हो रही है और यहाँ पे आटा गूंथ लिया गया है और मेरा किचन एकदम मैसी हो गया है क्योंकि सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमारी जो हेल्पर है, हमारे जो हेल्प करती है आंटी, छुट्टी पे हैं होली के लिए, तो अभी हमें सारा बर्तन और किचन सबको सफाई खुद ही करना पड़ता है, तो अभी पूरा मैसी हो गया। तो चलिए दिखाती हूँ अभी क्या तैयारी हुई है। ये महिला किचन साफ कर रही है, प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही है। देखिए, देखो माता जी हाय करें। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ तीन टाइप का गुजिया, जिसमें से पहला है ये वाला, इसमें सूजी मिक्स है, और ये वाला है जिसमें बेसन मिक्स है खोए में दोनों, और ये वाला जो मम्मी अभी तैयारी कर रही है गुड़ का है। तो अगर आपने कभी गुड़ का गुजिया खाया होगा, मेरे यहाँ बनता है गुड़ का गुजिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे यहाँ मैं और भैया बहुत मन से खाते हैं, मेरी भाभी को पसंद नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मम्मी बना रही है। और इसमें कुछ भी पड़ा नहीं हुआ है, ड्राई फ्रूट्स के बगैर है ये, क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है। तो इस बारी मेरे मन से बन रहा है, हर बारी बाकी मन से बनता है तो पड़ता है, इस बारी मेरे मन से बना है तो कुछ भी नहीं डाला गया है। वैसे आपको पता नहीं होगा कि हमारे यूपी बिहार में इसको गड़बहना बोलते हैं, इसको गड़बहना बोला जाता है हमारे मम्मी की भाषा में, मम्मी बोलती है इसको, क्योंकि जब ये गुजिया बनाया जाता है तो ये बनने के बाद ना ये पूरा मैनेज होकर के निकलने लगता है गुजिया से बाहर, तो इसलिए मम्मी इसको ऐसा नाम दे दिए, मेरी मम्मी बोलती है इसको मम्मी गड़बहना। देखिए ये महिला क्या करी है, महिला अत्याचार करी हुई महिला ऐसे दिखती है। अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है और अब हम जा रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। तो ये है बेसन का बनना है सबसे पहले, और क्योंकि बेसन का पापा को पसंद है तो पहले उनको बना के हम लोग खिलाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए सूजी का, और फिर वो दोनों बनाने के बाद तब हम बनाएंगे गुड़ का गुजिया और मम्मी के भाषा में गुड़ का गड़ बहना। और होली में तो इतनी गाली चलती है तो इतना माइंड कोई नहीं करिएगा प्लीज। तो देखिए भाभी बनाना शुरू भी कर दिए, दिखाइए। अभी पहला है तो पता नहीं। मम्मी अभी बना रही है, लोई बना करके रोटी बेल रही है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं भी बनाऊंगी और भाभी भी बना रही है, तो पहले अभी ये बना ले क्योंकि पहले मैं इनको सिखा रही हूँ, मुझे आता है बनाना। देखिए बन गया, देखिए। और हम लोगों ने यहाँ पे पेपर लगा रखा है, साफ पेपर, ताकि हम इस पे रख सके बना करके, क्योंकि एक के ऊपर रखेंगे, एक के ऊपर एक गुजिया रख देंगे तो चिपक जाएगा आपस में, तो हम उसको थोड़ा दूर दूर रखने के लिए ऐसे करेंगे, थोड़ा जगह बना रहे ताकि बना सके। अभी मैं भी चल रही हूँ गुजिया बनाने के लिए, और तो वहाँ पे कैमरा नहीं पकड़ सकती, तो कैमरा एक जगह रख देती हूँ और फिर मैं भी गुजिया बनाती हूँ। अब मैं भी चल रही हूँ गुजिया बनाने के लिए जल्दी जल्दी, मुझे भी आता है बहुत अच्छे से गुजिया बनाना। जब आई थी शादी करके तो इनको बिल्कुल गुजिया बनाने नहीं आता था, फिर मैंने सिखाया था, मुझे एकदम अच्छे से आता है बनाना, इनको बिल्कुल नहीं आता, फिर मैंने सिखाया तो जाके अब अच्छे से गुजिया बनाना सीखे, फाइनली सीख ही गई, मैंने सिखाई दिया। मैं दिखाती हूँ आपको अपना, इतना अच्छा बनाते हैं कि हमसे सीखती है आप। कितना खूबसूरत है ये, ऐसे ही बनता है कुछ या समझी, सीखिए कुछ हमसे। अभी विशु उठ गया है और परेशान कर रहा है, बाहर बैठा हुआ है मम्मी गई देखने के लिए कि कहाँ गया है। शांति से बैठता है, अगर विशु शांति से है, एकदम शांति है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहा है, कुछ दौड़ रहा होगा, कहीं कुछ चीजें फेंक रहा होगा, या तो फिर ऑगी को परेशान कर रहा होगा, और ऑगी को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि विशु उसको परेशान करे, या कोई भी छोटा बच्चा अगर देखेगा कोई शांति से कि कोई नहीं है
तो ओगी जा करके उसके पास बैठ जाएगा कि लो ठीक है चलो मुझे परेशान करो तुम, या तो उसका मुंह पकड़ के ऐसे से खींचता रहेगा, उसका दाढ़ी मुझ में खींचता, दाढ़ी मुझ में उसके आईब्रोज के, नहीं आईब्रोज बोलते ना जो भी इतने लंबे लंबे चार पांच बाल ऐसे उसके आंख के ऊपर रहते हैं वो खींचता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ओगी को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि पूछो मत, वो बैठा रहेगा एकदम, दोनों नहीं बोलते हैं एकदम, अगर दोनों एकदम शांति से, दोनों दिख नहीं रहा, और अगर बहुत शांति है घर में इसका मतलब दोनों एक साथ ही होंगे, और कितना भी मना करो सुनेगा ही नहीं। ओगी भी परेशान नहीं होता, यहाँ तक कि ओगी को परेशान हो जाना चाहिए कि उसको बच्चे परेशान कर, लेकिन वो भी परेशान नहीं होता इतना। गुजिया बनाते समय होली पे गाना भी गाया जाता है, क्या बोलते हैं फगुआ गाया जाता है, गाना गाइए भाभी गाइए गाइए, बहुत अच्छा गाना गाती है, इनको सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग आते हैं, बहुत सॉन्ग तो गा लेते हैं बट आवाज ही अच्छी नहीं है, आती है इनको, देखिए ना ये महिला आती आती है, गाइए ना गाइए, बोल तो रहे हैं गाना तो गा लेंगे लेकिन आवाज ही अच्छी ना, के सुनाइए गाइए, बनाते बनाते गाइए, कौन सा मुझे क्या पता, गाइए ना जो आपको आता हो। राधायति सुंदर काहे के राधा, अति सुंदर काहे के राधा, कहो लंबी लंबी अखिया राधा, लंबी लंबी अखिया, काजल और सुरमा लगाए सेरा, धायति सुंदर काहे के राधा, कहो गोरे गोरे गलवा राधा, कहो गोरे गोरे गलवा, पाउडर और क्रीम लगाए से राधा, अति सुंदर काहे के राधा, अति सुंदर काहे के राधा, अति सुंदर काहे के राधा, कहो लाली लाली उठवा राधा, कहो लाली लाली उठवा, लिपस्टिक लिप बाम लगाए से राधा, सुंदर काहे के राधा, सुंदर काहे के राधा, सुंदर काहे के। हमारे यहाँ यूपी बिहार में हर लोकेशन पे गाना गाया जाता है। राधा कहो लंबी लंबी केसिया, राधा कहो लंबी लंबी केसिया, तेल और शैम्पू लगाए से राधा, अति सुंदर काहे के राधा, अति सुंदर काहे के राधा, अति सुंदर काहे के। गाली भी गाया जाता है होली पे हमारे यहाँ, देखिए गाली गा रही हैं ननद को, ननद को गाली सुनाइए। हाँ कौन सा, मत जाओ शिवानी होली में, मत जाओ शालिनी होली में, तार भैया पटक दे कोली में, मत जाओ शिवानी होली में, गाली बस हो गया इतने। अब गुजिया छनना शुरू हो गया है, ये पहली बार मम्मी निकाल रही है, अभी हमारा गुजिया बन चुका है, देखिए अब हम लोगों ने बना लिया है इतना, सूजी और बेसन वाला हम लोगों ने बना लिया है, गुड़ वाला बाकी है जो मम्मी बनाएंगी, अभी शाम भी होने लगी है और यहाँ पे हम और भाभी बना रहे हैं, मम्मी अभी चली गई थोड़ा सा रेस्ट करने, उसके बाद आएंगी तो बनाएंगी। आज के दिन उबटन से मसाज किया जाता है और उसको फिर होलिका में डालते हैं। तो अभी मैं सरसों पीस रही हूँ, ये सरसों इसमें पानी डालकर भी पीसूंगी, अभी ये सूखा है उबटन के लिए, मसाज करने के लिए, इसको मसाज करके फिर इसको होलिका में डाला जाता है। देखिए तो ये बन चुका है हमारा गुड़ का गुजिया, जो कि टूट चुका है सारा, बह गया है, ऐसे यूजुअली ये बह ही जाता है, इसीलिए इसको मम्मी गड़बड़ना बोलती है, ये ऐसा होता है देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी होता है, देखने में जैसा भी है पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अभी विशु का पैर का मसाज हो रहा है, विशु क्या बैठे हो, ये बैग पे बैठा है, इसकी फेवरेट स्पॉट है बैठने के लिए, कभी भी इसको बैठना होता है
ऐसे ही कोई भी बैग नीचे रख के उस पर बैठ जाता है, ऐसे पैर के इसकी मसाज हो रही है। ऐसे अभी सब लोग करवाएंगे, सबकी मसाज होगी। और यहाँ पे ऑगी बैठ के वेट कर रहा है, तुम्हारी भी होगी, रुक जाओ। अच्छा लग रहा है विशु? कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है तुमको, वाव। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली।